गाइस मैं नमकीन खा रहा था और ये सब कौए मुझे देखे हैं सब उड़ते हुए, तो नीचे देखे हैं सब तो मुझे तड़िया लिए हैं सब और कह रहे हैं सब कि नमकीन दो नमकीन दो। मैं लाओ भाई खा लो, तुम भी लो क्या याद रखोगे। कोई आया था बंदा अभिषेक, देखे गया आप लोगों को खाना खाना। और ये देखो बड़ी चंट हो गए सब, बड़ी बदमाश है सब, पीछे ही पड़ गए हैं सब यार। काफी सारे मेरे पीछे कौए आ गए हैं। ओ गाइस मेरे पीछे नहीं, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं सब कौए। ये जाएगा नहीं बेटा तू, जाएगा नहीं गया, चल जा अपने घर। कौए का देखो बीच के तो सामने ही खड़े हैं और कितना ब्यूटीफुल नजारा है, देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे। वाह मतलब समझ रहे हो, कैमरे से डिफरेंट कैमरे से दिखाता हूँ। चलते हैं थोड़ा पानी में, देखते हैं आपको भी दिखाता है पूरा। लहरें बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही हैं, देखना है तो देखते हैं कितना, थोड़ा समुद्र में जाके मजा लेते हैं थोड़ा जाकर। बहुत लोग नहा रहे हैं, पानी में आ चुका। जहाँ तक बालू है वहीं तक चला जाएगा, अंदर नहीं चले सकते। बीमारी यार तकनीक के अंदर आ गई। टी स्टॉल लगी है, दुकानें लगी हैं और लोग जो भी खाना है वो खा रहे हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखा कि नाइट लाइट यहाँ पे काफ़ी सारे, और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं जो रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे, आपको स्टे करने के लिए आपको यहाँ पे रेंट पर मिल जाएगा। एक दिन रहिए, दो दिन रहिए, यहाँ पे रहने के लिए मिल जाएगा। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर उत्थर है सारा, बहुत फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हो। और इधर देखिए इतना पंछियाँ उड़ रही हैं काले काले, बहुत ही सुकून सा पल है ये। मतलब बहुत ही शांति जगह है ये, और बता नहीं सकते आप लोग। Thank you.
अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम ऐसी फील हो रही है ना कि क्या बताएं आप लोग को, और एक अवल लेवल की एक एहसास हो रही है कि क्या मौसम और क्या नज़ारे हैं यहाँ के, मतलब क्या बताएं आप लोगों को, मतलब समुद्र के किनारे इतना इतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, और इतनी अच्छी हवाएं यहाँ चल रही हैं, पूछो ही मत यार। ओ, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइस पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं इस समुद्र में, क्या मतलब खोज रहे हैं, हमको लगता है एक कौड़ी बिन रहे हैं लोग, जो गांव में पोखरी उखरी में तालाब वाला में यूज़ किया जाता है छीलने वीलने के लिए, आना वही चीज़ ये लोग भी ढूंढ रहे हैं लोग और बिन रहे हैं लोग थैले में, हाँ वही चीज़ तो है ये लोग खोज रहे हैं। हाँ सही है सही है, अच्छा है, नहा भी रहे हैं लोग और नेचर का मजा भी ले रहे हैं, बढ़िया है। इधर देखो भाई, और ये क्या कर रहे हैं भैया, अच्छा डॉगी आया है उनकी, इनके पीछे लग गया, और ये देखिए अब इनके साथ खेल रहा है वो डॉगी, वो दौड़ा लिया। देख सकते हो आप लोग अक्षा बीच का सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है वो, और कुछ लोगों ने इधर फोटो क्लिक कर रहे हैं अपना, तो एकदम मंथिन छो रहा है समुद्र के एकदम पास, उधर बहुत काई हुई है चट्टान सारी, और इधर देखो एक मोर बैठा हुआ है पूरा काम हो गया देख, का नाम है अक्षा बीच, और ये देखो कौवा इधर है, इसको पकड़ते हैं, पकड़ पकड़ पकड़, उड़ गया, और ये देखो पूरा चट्टान है देख सकते हो ये समुद्र के अंदर, अभी तो समुद्र अभी कभी काफी कम हुआ है, बहुत लोग आगे गए थे, ये पूरा भरा होता है ये सब जितना होता है ना, इस समय तो खाली है, मतलब इसमें पानी कम हो गया है, पर पहले बहुत ज़्यादा पानी था। अभी गाइस हम लोग इस पत्थर पे चलेंगे इस रास्ते से, बहुत ही चला रहा है, हे भगवान किस तरह चला जाए, उधर जाना है उस चोटी पे हम लोग को, किस तरह चला जाए, देख सकते हो, और बहुत डर लग रहा है कहीं बचाना, रे 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 रे
तो गया ओ भाई, गिर गया गिर गया। अरे 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 अरे, ओए कहाँ हो भाई? ए भाई, मुझे उठा ले रे बाबा, उठा ले, आके उठा ले भैया। ये हमारा खतरा का खिलाड़ी।